अक्षय कुमार और अजय देवगन ने अपनी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर कितने रुपयों में की सेल, क्या अक्षय की फिल्म को मिला ज्यादा अमाउंट या फिर अजय मार ले गए बाजी। बॉम्ब सेल हुई इन हाईएस्ट अमाउंट, वहीं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को मिला है सेकंड हाईएस्ट अमाउंट। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान काफी टाइम से चर्चा में बनी हुई है। अब कोविड-19 क्राइसिस के बीच अजय देवगन की इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई है। ये फिल्म अगले साल इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होगी, यानी अगस्त 13, 2021। मैदान पहले 11 दिसंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, जो कि अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेंडेमिक के चलते फिल्म की शूटिंग तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये एक बायोपिक फिल्म है जो सईद अब्दुल रहीम की लाइफ पर बेस्ड है, जो इंडिया की फुटबॉल हिस्ट्री का फेस है। अजय देवगन ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 2021 इंडिपेंडेंस वीक एन अनटोल्ड स्टोरी दैट विल मेक एवरी इंडियन प्राउड, 13th August मार्क द डेट, #मैदान2021। फिल्म को अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने डायरेक्ट किया है और अजय के साथ फिल्म में प्रियामणि, गजराज राव और बंगाली एक्टर रुद्रनील घोष भी नजर आएंगे। स्टार की फिल्म को कितने बड़े अमाउंट में बेचा गया है? दरअसल अक्षय कुमार लक्ष्मी बॉम्ब को अक्षय कुमार ने सेल किया है इन अ वॉपिंग 125 करोड़ रुपीज। वहीं अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सेल हुई इन 112 करोड़ रुपीज। ये दोनों ही फिल्म्स 125 या फिर 112 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती थी, लेकिन पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को लग रहा है कि ये अमाउंट भी काफी प्रॉफिटेबल है। हॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन ने अपनी बेमिसाल एक्टिंग के बदौलत बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि अजय देवगन की फिल्मों की कामयाबी की गारंटी सभी देते हैं। फिलहाल अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म भुज की शूटिंग में व्यस्त हैं। कुछ दिन पहले करण जौहर और अजय देवगन ने काजोल पर कई बात से पर्दा उठाया। करण जौहर अपनी किताब एन अनसुटेबल बॉय के लेकर चर्चे में छाए हुए हैं। इस किताब में जहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल वहीं अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई राजों से पर्दा उठाया है। इस किताब में उन्होंने काजोल और उनकी दोस्ती को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया। एक चैप्टर में उन्होंने खुलासा करते हुए लिखा है कि काजोल और मैं अब दोस्त नहीं। करण काजोल और उनके बीच हुई मनमुटाव का कारण अजय देवगन को बताया है। उन्होंने हाल ही में हुए अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि आखिर क्यों काजोल और उनके बीच का रिश्ता टूट गया। उन्होंने बताया कि सिवाय की रिलीज से कुछ दिन पहले अजय देवगन ने उन्हें फोन किया और करण के फोन उठाते ही अजय उन्हें गंदी गालियां सुनाने लगे, यहां तक कि उन्हें करण को बोलने का मौका तक नहीं मिला। करण जौहर का नाम सबसे अधिक चर्चा में है, साथ ही करण जौहर और खान की फिल्मों को बायकॉट करने के लिए भी ट्रेंड बीते दिन चलाया जा रहा है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें।